हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्जुन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABS प्रोडक्शंस। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा एक ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। तो आज के वीडियो में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको आता है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा आने वाला है क्योंकि आज मेरा कैमरा आने वाला है ना। तो हम बहुत ही जल्द यूट्यूब की वीडियोज़ हम अपने खुद के कैमरा से बनाने वाले हैं। तो आज वो दिन फाइनली आ ही गया कि आज हमारा कैमरा आने वाला है। कैमरा लेने का प्लान मेरा 2 साल से चल रहा था, बट क्यों नहीं ले पाए वो हम आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम जा रहे हैं हमारा कैमरा लेने, और हमें कैमरा लेने जाना पड़ेगा नासिक, क्योंकि मालेगांव में पिछले 2 सालों से कैमरा अवेलेबल नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो वो क्रेडिट कार्ड पर हो रहा था, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं नासिक। तो जाते हैं और कैमरा ले कर आते हैं। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कैमरा के लिए, क्योंकि आज हमारा 2 सालों से इंतज़ार करने के बाद आज वो दिन आ ही गया फाइनली कि आज हमारा कैमरा आने वाला है। अभी बज रहे सुबह के 8:30, आप देख ही सकते हो है ना। तो बिना देरी किए चलते हैं जल्दी से, और हमारा कैमरा जल्दी से घर पे लेके आते हैं। तो अभी हम लोग हो गए रेडी, तो लेते हैं हमारा हेलमेट और चलते हैं। ठीक, ये हमारी प्रिंसी, इसका पूरा नाम है प्रिंसेस, इसे हम प्यार से प्रिंस ही बोल लेते ना। तो जल्दी से निकलते, लगाते इसको चाबी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से नासिक जाने के लिए। ये है नेशनल हाईवे। तो अभी हम लोग रुके यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो अभी हम लोग खाना खाते और फिर मिलते हम लोग नासिक। तो ये रहा हमारा कैमरा, चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो फाइनली आज हमारा कैमरा घर पे आ चुका है गाइस। ये चेक करो आप, ये कैमरा और ये उसका लेंस है। तो ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं ये कैमरे को परचेस करूं, और ये फाइनली आज मेरे हाथों में है। तो इसे देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना एक्साइटमेंट हो रहा है अंदर। तो गाइस आप लोग इसे पास से चेक करो, ये कितना बढ़िया लगता है और बहुत ही अच्छा दिखने में, मुझे बहुत ही पसंद है इसका लुक। मैं आपको थोड़ी देर में इसको कनेक्ट करके भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके साथ में हमें और क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या क्या नहीं। तो यार मेरे लिए ये कैमरा ही सब कुछ है, क्योंकि ये कैमरे के ऊपर ही मेरे सारे जो सपने देखे थे मैंने, वो सारे इस पे डिपेंड थे। तो आज ये मेरे साथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मैं फ्यूचर में मेरे सारे सपने कंप्लीट कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके मेरे सारे सपने पूरे होंगे है ना। और ये 1.5-2 लाख का कैमरा लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं इस दिन के लिए 2 से 2.5 साल मैंने इंतज़ार किया है। मैं हर वक्त सोचता था कि मैं एक ना एक दिन इस कैमरे को परचेस कर ही लूँगा, और इस कैमरे के बदौलत ही मैं मेरे सारे सपनों को पूरा करूँगा। आज मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में आज मेरी जर्नी बता देता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आया, और मैंने जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ क्या, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरा बर्थ 2001 का, और मैं महाराष्ट्र से मालेगांव MH 41 से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 15 साल का था तब मेरे पापा गुजर गए,
पापा के जाने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी रुकावटें आई। फिर उसके बाद में हम लोग दुनिया जानने लगे, दुनिया के हर एक अलग इंसान के अलग चेहरे, अलग इरादे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी दुनिया से। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, पूरी दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा मत करो। जब हम तकलीफ़ों में होते, ख़राब हालातों में होते, तो कोई हमें हेल्प करने नहीं आता है। सिर्फ किसी का एहसान नहीं लेना है, क्योंकि आगे जाके वही इंसान आपको बोलता है कि मैंने उस टाइम में किया तब जाके आज तू बड़ा बना है, मेरी वजह से है जो कुछ भी है तो आज मेरी वजह से, ऐसे आगे जाके वो बोलता है। मेहनत तो सारी हमारी होती है, पर क्रेडिट आके वो ले जाता है। एन वक्त पे बोलता है कि तूने जो पाया है वो मेरी वजह से, तू आज जो भी बनाए मेरी वजह से बनाए। तो इसके लिए किसी का एहसान मत लेना, जो भी करना है वो हमें खुद ही करना पड़ता है। जैसे तैसे सारी चीज़ें ठीक होने लगी, मैं 11th में गया। 11th में जाने के बाद मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, और जॉब ढूंढते ढूंढते मुझे एक एडिटिंग का काम मिला, तो मैंने वो वीडियो एडिटिंग का काम करने लग गया। तो वो एडिटिंग का काम करते करते मैं एक दिन ऐसे फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में सबसे पहली बार मैं एक शादी में वीडियो शूट करने के लिए गया था। उसके बाद में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम किए, बहुत सारी जगह पे घूमा, पर मुझे सब जगह घूमने के बाद मुझे एक ही काम अच्छा लगा, जो कि वीडियो एडिटिंग का और वीडियो शूट का। मुझे वीडियो एडिटिंग और वीडियो शूट से लगा हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी करना है तो कुछ इसमें ही करेंगे। तो इसलिए मेरा ड्रीम कैमरा यही था, और इस कैमरे के ऊपर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, और वो आज मेरे साथ आ भी गया है फाइनली। और आगे जाके मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो कि मैंने सोच के रखी है, मैंने जो सपने देखे। जब बारी आई कैमरा लेने की तो लॉकडाउन ख़त्म होने पे था, और कहीं पे भी कैमरा अवेलेबल नहीं हो रहा था 6 महीने तक। उसके बाद मैं सोचा कि अब लेंगे कैमरा, तो मैं बाहर मार्केट में गया, तो वहाँ पे चेक करा कैमरे अवेलेबल थे, पर जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं फाइनेंस करने वाला था, तो फाइनेंस भी मेरा हो नहीं रहा था। वो चेक करते करते फाइनेंस का करते टाइम 6 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी हम लोग बिजनेस लोन का करते, तो बिजनेस लोन के लिए भी नहीं हो पाया। मैंने बहुत सारा ट्राई करा, मैंने बहुत सारी कोशिशें करी, पर फिर भी नहीं हो पाया। फिर एक दिन मेरे मतलब माइंड में ए तक आया था, मैंने मेरे जो विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाए थे मैंने वो तक जला दिए थे। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। मैं पूरा हार मान गया था कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे लगा कि किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है, तो मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने ये सोचा कि मैंने ये स्टार्टअप क्यों किया था, मैं इतना साल क्यों वीडियो एडिटिंग वीडियो शूट्स का सीख रहा था। तो मैंने वो सारी चीज़ें फिर से याद की। फिर मैंने सोचा कि मैं और वेट करूँगा, और अगर आप में सब्र नाम की चीज़ होना तो आप जो सोचते थे उससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिलता है। पहले मैं सोचता था इतना बड़ा कैमरा मैं ले नहीं सकता, 1.5-2 लाख का, 3 लाख का। बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे कैमराज भी लेते, तो मैंने सोचा कि हम लोग नहीं ले सकते। तो मैं पहले सिर्फ 70 से 80 हज़ार तक की कैमरा लेने वाला था, पर मैंने सब्र किया, 2.5 साल वेट किया, तो आज मुझे 1,60,000 का कैमरा मेरे हाथ में आ चुका है। आज सिर्फ आप लोगों ने जो सोचा है ना उस पे टिके रहे और थोड़ा सा वेट करे। अगर नहीं हो रहा है ना वो काम तो थोड़ा वेट करे, आप लोगों का वो काम उससे भी अच्छा हो सकता है। और अब मैं इसी कैमरे से वो हर चीज़ करूँगा जो मुझे चाहिए थी। अब सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बोलने को तो बहुत कुछ है जो कि ख़त्म नहीं होगा कभी। आप लोगों ने कैमरा की सिर्फ अनबॉक्सिंग देखी होगी, बट उसमें क्या क्या मिलता है वो वहाँ पे जल्दी जल्दी मैं दिखा नहीं पाया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें कैमरा के साथ में क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो हमें कैमरा के साथ में मिलता है हमें ये बॉक्स, जो कि आप लोग देख ही सकते हो, है ना। और उसके बाद में मिलता है हमें ये चार्जर एक्स्ट्रा, तो जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। ये आपको ऐसे ही मिलता है कैमरे के साथ में, ऑलरेडी एक मिलता है डायरेक्ट कैमरे के साथ में आप चार्ज कर सकते हो, और एक एक्स्ट्रा मिलता है आपको। तो देखते हैं बाकी की चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला है, ठीक है। तो आप लोगों को कैमरा के साथ में इतनी सारी चीज़ें मिलती है, तो सबसे पहले हमें मिलते हैं ये सारी किताबें। तो आप लोगों को अगर कुछ एक्सेसरी लेने हो तो आप इसको स्कैन करके ले सकते हो। उसके बाद में मेमोरी कार्ड का है ना, तो ये बहुत सारे मैनुअल से। उसके बाद में 3 ईयर्स का वारंटी कार्ड है ना, तो उसके बाद में ये हमारा बिल, ठीक है। और उसके बाद में चार्जर तो मिलता ही है हमें, उसके साथ मिलती है बड़ी बड़ी दो बुक। तो आप लोगों को अगर इसे पढ़ना हो तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो, इसे तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक। तो चार्जर की क्वालिटी भी अच्छी है। आप लोगों को ये चार्जर फ्री में मिलता है,
और हमें कैमरे के साथ में मिलता है ये चार्जर और ये एडाप्टर। ठीक, हमें कैमरे के साथ में ऑलरेडी मिलता है पर ये फ्री में मिल आता है। ठीक है, तो हमें कैमरे के साथ में मिलता है ये चार्जर। ठीक है, तो इसके तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके आप लोग डायरेक्ट कैमरा में ये बैटरी को चार्ज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद में हमें मिलता है एक बैटरी, उसके बाद में मिलता है हमें 64GB का मेमोरी कार्ड। ठीक है, उसके बाद में मिलता है हमें सोनी का एक बहुत ही अच्छे तरीके का स्ट्रैप जो कि हम लोग कैमरे को लगा सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को देखने मिलता है ये बैग जो कि हमें कैमरे पे फ्री मिलता है। ठीक है, कैमरा के बैग की क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, जल्दी से ख़राब नहीं होगी। उसके बाद में आते हैं लेंस पे, तो ये हमारा लेंस 28-70 का किट लेंस लिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बॉडी पे, तो ये हमारी कैमरा बॉडी, आप लोगों को परफॉर्मेंस तो पता ही होगा सोनी A7M3 का। ठीक है, उसमें हम लोगों को टिल्टेबल स्क्रीन मिल जाती है, तो आप लोगों को कैमरा के साथ में ये सारी चीज़ें मिलती है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा माइक आप देख ही सकते हो कि आ चुका है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, एडिट भी करी है, सिर्फ उसे अपलोड करना बाकी था यूट्यूब पे, बट उसके पहले हमारा कैमरा आ गया तो हमें कैमरा की वीडियो पहले डालनी पड़ी। तो इसके बाद में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा कि मैंने कौन सा माइक लिया है, क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।